अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बिरयानी। आज हम बीफ बिरयानी बनाने का तरीका बताएंगे आपको, बीफ बिरयानी की रेसिपी बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप मैंने ऑयल ले लिया है। अब इसको हम थोड़ा गर्म होने देंगे। दो मैंने नॉर्मल साइज़ के प्याज ले लिए, इसको बारीक से कट कर लिया है। देखें, प्याज लाइट ब्राउन हो गई है हमारी। अब आधी प्याज हम इसी में रहने देंगे, आधी प्याज निकाल लेंगे। देखें, आधी प्याज मैंने निकाल लिए और आधी प्याज मैंने इसी में रहने दिए। अब हम इसमें फ्रेश अदरक लहसुन ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून। बीफ ले लिए, बीफ ऐड करेंगे, इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। ले लिए और 7 हरी मिर्ची ले लिए। हाफ टेबल स्पून मैंने पिसी लाल मिर्च ले ली है, 1/2 टेबल स्पून मैंने कुटचे ले लिए। अब लेंगे हम टेस्ट के मुताबिक 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ले लिए और 2 मैंने बादियान फूल ले लिए। अब इसको भून के अच्छी तरीके से, फिर हम इसमें अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको 2 टेबल स्पून हम बिरयानी मसाला डालेंगे। और अब हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि हमारे बिरयानी का कोरमा तैयार हो जाए। देखिए, 20 मिनट के बाद देखा मैंने बीबी इसमें पानी है और गोश्त गला नहीं है। अब हम इसमें 1/2 प्याली दही ऐड करेंगे, 6 मैंने कड़ी पत्ता ले लिए। अब हम इसको थोड़ी पानी खुश्क होने तक पकने देंगे कि हमारा गोश्त गल जाए। मसाला हो रहा है बिरयानी का, जब तक हम रख देंगे। 1 किलो से ज़्यादा मैंने चावल लिए हैं, सेला चावल है। इसको मैंने 1.5 घंटा भिगो दिए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, कम से कम 2 जग पानी ऐड करूँगी। दो जग मैंने पानी ऐड कर लिया है, ये चावल से ऊपर ही रहने चाहिए पानी को। मैं नमक ऐड करेंगे हम टेस्ट के मुताबिक। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून नमक के डाल दिए। दस मैंने काली मिर्च ले ली, 6 मैंने लौंगे ले लिए और 2 दालचीनी ले लिए, 2 बड़ी इलायची लिए और 2 तेज़पत्ता लिए, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया। अब हम इस दो इसमें हम दो हम बादियन फूल डालेंगे और हम इसको चावल को अब बॉयल होने देंगे। देखें, चावल हमारे हो गए हैं। अब हम इसका पानी अलग कर देंगे। देखिए, हमारा मसाला हो गया है रेडी। अब हम इसमें आधी जायफल और जावेत्री और छोटी इलायची, 5 छोटी इलायची हम पाउडर बना के इसमें डालेंगे। देखिए, पाउडर बना के अब हम इसको डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे इसको। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। देखें, इधर हो गया हमारा मसाला रेडी
और इधर हो गए हमारे चावल रेडी। तो अब हम इसकी तेल लगाएंगे। जिस पतीले में मैंने बॉइल करा था वही पतीला लिया हुआ है। चावल, अब हम चावल डालेंगे पहले। देखें इसको ऐसे करके पूरी तरीके से पतीले को कवर कर लेंगे, फैला देंगे। मैंने आधी गड्डी हरा धनिया के ले लिए, थोड़ा पुदीना लिया है उसको कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने एक टमाटर कट कर लिया है। अब हम इसको देखें ऐसे रखेंगे। दो हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अब हम इसमें चावल डालेंगे, दूसरी तेल लगाएंगे। अब दोबारा मसाला ऐसी रखेंगे इस तेल में भी। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे दोबारा। अब हम इसको चावल से कवर कर लेंगे। देखें इस तरह। अब जो हमने प्याज ब्राउन करके निकाली थी अब उसको ऐड करेंगे। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे। लहदे रंग ले लिए। अब थोड़ा सा कैमरा लेंगे हम, इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कलर फूड डालेंगे। अब हम इसमें एक नींबू ऐड करेंगे। अब हम इसको दम पे लगा देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। दम हमारे हो गए हैं चावल। अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखें कितना प्यारा कलर आया है बिरयानी का, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। और ये खाने में भी इतनी ही अच्छी टेस्ट की है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करिएगा कि आपको कैसी लगी। हाफिज़ एंड गुड बाय।